बेजुबान ऊंट की हाई ले रही नगरपालिका मंदसौर। 5 दिन से ऊंट को खाने के लिए पेड़ की पत्तियां तक नहीं दे पाई नगरपालिका मंदसौर। नगरपालिका ने किए हाथ खड़े, कहा हमसे नहीं हो पा रही घायल ऊंट की देखरेख। कहने को तो मंदसौर नगरपालिका से लेकर प्रदेश तक बीजेपी की सरकार है। मंदसौर में नगरपालिका अध्यक्ष, विधायक, सांसद सब बीजेपी के होते हुए भी 5 से 7 दिन हो गए उस बेजुबान ऊंट को खाने की पत्तियां तक नहीं दे पा रहे हैं और ऊंट की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। गो सेवक ओम बड़ोदिया द्वारा आज कांजी हाउस जाकर ऊंट की हालत देखी तो वहां के चौकीदार ने कहा आप ही लेकर आ जाओ खाने का, अब इस ऊंट को हम नहीं रख सकते, आप इसे भी लेकर जाओ यहां से। जिसके बाद समाज सेवी ओम बड़ोदिया ने फिलहाल तो ऊंट के खाने की पत्तियों की व्यवस्था कर दी, परंतु विचारणीय विषय यह है कि क्या मंदसौर नगरपालिका और जिम्मेदार इतने गरीब हो गए कि एक घायल ऊंट को तक नहीं संभाल पा रहे हैं। जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और बेजुबान ऊंट को न्याय दिलाएं। राजनीतिक हलचल के लिए मंदसौर से अर्जुन पाटीदार के साथ राधेश शर्मा की रिपोर्ट। ओम जी, अभी आप कांजी हाउस गए थे तो ऊंट को लेकर क्या घटनाक्रम हुआ? ऊंट की तो घटना पहले की है, ऊंट का एक एक्सीडेंट हो गया था, अज्ञात वाहन ठोक के चला गया था नया खेड़ा बाईपास पे। तो उस ऊंट को मेरे द्वारा लेके आया गया मंदसौर में, यहाँ गौशाला भी लेके गए थे पर गौशाला अध्यक्ष ने लेने से मना किया और फिर उसके बाद कांजी हाउस नगर पालिका द्वारा से बात हुई थी तो कांजी हाउस लेके गए, कांजी हाउस में रखा। कुछ दिनों तक मेरे द्वारा ट्रीटमेंट किया गया और रोजाना मैं कांजी हाउस जाकर देखता हूँ, ऊंट के हालचाल देखता हूँ। पर अब समस्या यह आ रही है कि नगरपालिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। नगरपालिका का कहना है कि हमारी गाइडलाइंस में जितने दिन था हमने उसको उतने दिन रखा है। अभी मेरा आज जाना हुआ है तो वहाँ के चौकीदार द्वारा मेरे को बताया गया है कि 5 दिन से इसको कुछ खाने का नहीं डाला गया है, जो पेड़ पत्तियां खाता है ये, और इसके लिए अभी कुछ भी नहीं डाला गया है और अभी 5 दिन से भूखा है और इसकी हालत बहुत ही गिर गई है, नाजुक हो गया है। अब मेन दिक्कत ये है कि या तो इसको बचाने का काम कर रहे हैं या इसको मारने का काम कर रही है नगरपालिका, ये समझ में नहीं आता है। नगरपालिका अध्यक्ष को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आपसे एक ऊंट की मदद नहीं हो पा रही है तो फिर बाकी मंदसौर की क्या मदद करोगे? हम जैसे सुनने में आ रहा था कि ऊंट के लिए 100-200 रुपए नगरपालिका द्वारा रोज दिए जा रहे थे उसके खाने के लिए। 100 रुपए रोज नगरपालिका द्वारा वहाँ के चौकीदार को दिए जा रहे थे कि जिससे जो भी पेड़ पत्ती काटने वाला है उसको लाके उससे मतलब खाने पीने की व्यवस्था हो जाए उसके। पर अभी 10 तारीख से उसकी वो भी बंद कर दी है, मतलब उसकी जो मदद करना है 100 रुपए जो रोज के ला रहे थे वो नगर पालिका द्वारा दे रहे थे उसको, वो भी बंद कर दिया गया है। और अभी 10 तारीख से अभी आज 25 तारीख हो गई, अभी तक कोई पैसा नहीं आया है और ना कोई किसी ने कोई मदद करी है। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा, सांसद, विधायक द्वारा आपको किसी तरह कोई मदद मिली है अभी तक? नहीं, अभी कुछ 5 सालों में मेरे ना सांसद जी से कोई सहायता हुई, ना विधायक जी से हुई, ना नगर पालिका अध्यक्ष से हुई है, ना अपने मंदसौर और नीमच जिले के मंत्रियों से मेरी कोई मदद हुई है।